दी है सरकार, कितना कुछ कर रही है हमारे किसान भाइयों के लिए। इस टाइम हमारी जो है हालत आप देख रहे होंगे, पूरा भीग चुके हैं, 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। यानी अगर किसी के पास 1 एकड़ या 2 एकड़ खेत है और वो अगर लोबिया की खेती करता है, तो अगर 1 बीघे का हम 15,000 रुपये लगाएं, तो अगर 1 एकड़ आपका 8 बीघे का होगा तो 1,00,000 रुपये, यानी 1,00,000 रुपये बंदा कमा सकता है 1 एकड़ पे। और भाई यहाँ ठंडे ठंडे पानी का मजा लेते हुए, छोटा है मगर सुकून का है। हेलो एनवायरमेंट लवर्स, आज हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। आज हम हैं रामपुर की एक ऐसी नर्सरी में जहाँ पे सरकार ने, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पॉली हाउस बनाया है। तो सर आप बताएंगे ये पॉली हाउस क्यों बनाया जाता है, क्या इसकी विशेषता है? सर पॉली हाउस का पर्पस ये है बनाने का कि इसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, जैसे जिस टेम्परेचर के हिसाब से जो पौधा लगाया जाए वो हम इसे लगा सकते हैं। जैसे इस वक्त टमाटर, मिर्च और ये लोबिया का पौधा यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये 45-60-70 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए होता है, तो हम इस पॉली हाउस के जरिए वो मेंटेन करते हैं। जाड़ों में जो पौधे होने चाहिए उनमें जो हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है वो हम इसे मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे पॉली हाउस के जरिए। तो पॉली हाउस क्या करता है कि एक टेम्परेचर मेंटेन करता है आपके फलों। सरकार ने क्या करा है, इस तरीके से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए हैं और ये जो है 3-4 शहर हैं, रामपुर है, हापुड़ है, फतेहपुर में बना है। तो आज हम जानेंगे हमारे पप्पू भाई से कि ये क्या है, इसके अंदर किस टेक्नोलॉजी से काम होता है और उसका क्या क्या होता है। तो चलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और हम आपको शेयर कराते हैं इस पॉली हाउस की। चलिए फिर पप्पू भाई, इसका रास्ता कहाँ से? रास्ता आगे से। अरे वाह, हमारे भाई यहाँ ठंडे ठंडे पानी का मजा लेते हुए, छोटा है मगर सुकून का है स्विमिंग पूल। आइए आइए मुत्सिम भाई। तो ये हम जा रहे हैं पॉली हाउस के अंदर। पप्पू ये क्या है? तो पप्पू हमें बताइए इस मशीन के बारे में। जी जी, बुवाई की मशीन है, इसमें बीज पड़ेगा सर, इसमें जो क्रेट रख के हम इसको आगे कर दिया जाएगा, ये चल पड़ेगी, चलने के बाद में ये बुवाई कर देंगे, बुवाई कर देगी पूरी, बुवाई के बाद इसमें लेकर आएंगे हम फिर इसमें। अच्छा, अब दूसरी मशीन में आएंगे हम जी, इसमें लेकर आएंगे, इसमें रखेंगे, इसमें पानी लगेगा, ऊपर से खाद डाल के तैयार कर देगी पूरी, फिर हम इसको यहाँ से उठाकर क्रेट को इस चैम्बर में ले जाएंगे। अरे वाह जबरदस्त। मुत्सिम भाई यहाँ बहुत गर्मी है, कम से कम 50 या 55 डिग्री टेम्परेचर होगा और यहाँ रुकना बहुत मुश्किल हो रहा है। जी जी बहुत, अब तो पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, एसी चल रही है इसके अंदर, तब इसका टेम्परेचर कम करा जा रहा है ना, तो इतना होगा रुक नहीं जाएगा इसके अंदर। जनरेशन के लिए है ये। तो ये कैसा पौधा है? ये मिर्च का पौधा है, हरी मिर्च का। अच्छा, मिर्च का पौधा है ये, हरी मिर्च का है। तो ये कब तक तैयार होगा, इसके बाद ये कहाँ जाएगा? ये अब तैयार हो गया लगाने के लिए। अच्छा, लगाने के लिए तैयार हो गया, ये 15 दिन के लपेटे में लगाने का तैयार हो जाता है। अच्छा, 15 दिन के अंदर। और ये कैसा पौधा है? ये बैंगन का पौधा है। अच्छा, ये बैंगन का पौधा है जी। अच्छा अच्छा, पापा भाई बता सकते हैं कि बैंगन का पौधा जो है, इसमें बैंगन मतलब कितने वक्त में आ जाएगा, कितनी ड्यूरेशन है इसमें? इसमें आ जाएगा कम से कम 2 महीने में बैंगन आ जाएगा। अच्छा, 2 महीने में बैंगन आ जाएगा, जनरेशन के बाद 2 महीने। यानी अब ये जब ज़मीन पर लग जाएगा ये पौधा तैयार होगा, तो तब से 2 महीने लगेंगे। और ये कौन सा है पौधा? ये टमाटर है। कौन सा? टमाटर। टमाटर, टमाटर जी। तो देखिए गाइस, ये टमाटर का पौधा है और टमाटर में भी मुझे लगता है कि इतना वक्त लगता होगा आने में। हाँ, इसको कम लगता है, थोड़ा 1.5 महीने लगता है करीब। अच्छा, तो यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है कि अगर ये जो पौधे हैं ये ख़राब नहीं हों ये सारे के साथ। तो पप्पू भाई हमें यहाँ ले आए हैं, एक ये पौधा है लोबिया का। तो पप्पू भाई जी जी, तो ये लोबिया का पौधा, इसका कितने ड्यूरेशन है, कब तक तैयार हो जाता है ये? सर इसको ये लगता है हमें 1 महीने में तैयार फल दे लगेगा ये। अच्छा, 1 महीने फल दे लगेगा, 1 महीने में इसके जो गुच्छों से आएगा ये लोबिया, गुच्छों से लेगा मार्केट में कम से कम 40-50 रुपये किलो का रेट मिलता है, हमारे अच्छे खासकार फायदा उठा लेते हैं इससे। 1 बीघे में लगाएंगे लगभग कम से कम भी इसकी 10-15 हज़ार की इनकम हो सकती है। अच्छा, 10-15 हज़ार की इनकम हो सकती है। यानी अगर किसी के पास 1 एकड़ या 2 एकड़ खेत है और वो अगर लोबिया की खेती करता है, तो अगर 1 बीघे का हम 15,000 रुपये लगाएं जी, तो अगर 1 एकड़ आपका 8 बीघे का होगा तो 1,00,000 रुपये, यानी 1,00,000 रुपये बंदा कमा सकता है 1 एकड़ से जी, सिर्फ 2-3 महीने में। दो तीन महीने में तो ये एक अच्छा मतलब है, अच्छा सोल्यूशन है हमारे पास खेती का। ये बता, 1 महीने में फल देने लगता है, यानी 1.5 से 2 महीने में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा ये मंडी पहुँच जाएगा 1.5 से 2 महीने में। तो दोस्तों, एनवायरमेंट लवर्स और हमारे किसान भाइयों, ये वीडियो आप सबके लिए हैं जो घरों में सब्जियां उगाना चाहते हैं
या फिर जो अपने खेतों में करना चाहते हैं। तो सरकार ने एक ज़बरदस्त प्लांट बना रखा है, अगर आप पूरा प्लांट दिखाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त प्लांट है। और यहाँ पे टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री मेंटेन करा जाता है, क्योंकि फल और सब्जियाँ जो होते हैं उनको इतना चाहिए होता है। तो वो एक तरीके से इन्वायरमेंट यहाँ क्रिएट किया गया है, और टेम्परेचर तो ज़्यादा है ही, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ये पौधे किस तरीके से एक आम आदमी घर में इस्तेमाल कर सकता है और किसान को इससे क्या लाभ हो सकता है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये पौधे जो हैं ये नर्सरी में किस लिए लगाए गए, मतलब ये पौध खेती या फिर घरों में लोग लेके जाते हैं या फिर खाली यहाँ उगाए जा रहे हैं इन्हें? जी, घरों में भी लगाए जाते हैं, गार्डन में लगा लगते हैं लोग, और ये खेती के लिए भी तैयार किया गया है। जैसे रोग मुक्त पौधा है ये, दवाई ववाई लगा कर तैयार किया जा रहा है ये, और इसको कोई भी बीमारी नहीं लग सकती खेत में लगाने के बाद में। बहुत से लोग कहते हैं घर पर पौध डाल ली और सूख जाती है, ये सूखेगी भी नहीं, इसलिए इसे मेंटेन करा गया है टेम्परेचर के हिसाब से। तो ये जो हम देख रहे हैं कि ये आपने जो है ये यहीं पे उगाए जाएंगे या फिर ये बांट दिए जाएंगे खेतों में, या मतलब किसानों को दिए जाएंगे ये पौधे, किसान लेके जाएंगे या खेती में खेती करेंगे, इससे और अच्छा फायदा उठाएंगे। तो ये जो पौध है, तो इसका मतलब मान ली हमारे पास कोई एक बीघे की ज़मीन पड़ी हुई है, तो उसके लिए हमें कितने पौधे इसमें के लेके जाना पड़ेंगे? एक बीघे के लिए ऐसे कम से कम भी ले जाओ 100-200 पौधे ले जाओ, उसके लिए काफ़ी रहेंगे 100 पौधे। तो उससे पूरी फसल तैयार हो जाएगी 100-200 पौधों से? अच्छा, तो ज़्यादातर किसान भाई यहाँ पे सरकार ने उनके लिए अवस्था कर रखी होगी कि वो लोग यहाँ से लेके जाएं, तो उनको कम दाम पे मिलते हैं या फ्री में सरकार की तरफ से? इसको कम दाम पे मिलते हैं, जैसे बारिश से बचाने के लिए, पौधे के लिए कम रेटों के लिए तैयार करके दिया जाता है पौधा। अपने बीज भी ला सकते हैं, बवा सकते हैं इस जगह और खरीद के ले जा सकते हैं। अच्छा, मतलब लोग अपना बीज ला के और यहाँ भी उगा सकते हैं, तो उसका कुछ चार्ज रहता है? जी, चार्ज रहता है। क्या चार्ज रहता है? ऐसे ही रहता है, 1 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से। 1 रुपये प्रति पौधा जो है, तो एक पौधे में कितना फल आ जाता है? काफ़ी आता है, वो किलो के हिसाब से आता है। उस पर जैसे बैगन है, बैगन तो काफ़ी किलो लेकर आता है उसके अंदर, 3-4 किलो। और गोभी की पौध है, टमाटर की है, इनके तो काफ़ी अच्छे फूल वो होते हैं, किलो की मात्रा आ जाती है। टमाटर पे भी काफ़ी किलो लेकर, 2-1 किलो लेकर जाते हैं। तो बाकी लोग जो घर में बोना चाहें तो वो भी लेके जा सकते हैं। तो किस तरीके से पौधा खरीदते हैं, 1 रुपये के हिसाब से? जी, ये जो वैसे खरीदते हैं, अपने बीज लेकर आएंगे तो 1 रुपये प्रति पौधे की दर से दिया जाएगा उनको, बीज देंगे तब वैसे 2 रुपये प्रति पौधे की दर। आइए, तो हम आपको अंदर तक ले चलते हैं और कुछ मशीनरी के बारे में भी समझते हैं पप्पू भाई से। तो पप्पू भाई, आप हमें बताइए ज़रा सा ये मशीन के बारे में जो सामने लगी हुई है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस मशीन की? तो पप्पू भाई, आप हमें बताइए मशीन कैसी है, अगर आप दिखाएं इनको, ज़रा देखिए किस तरीके से मशीन बनी हुई है ये, और ये वहाँ तक दिखाइए लंबा कैसा है ये मशीन। हाँ, तो पप्पू भाई ये बताइए क्या मशीन है ये? ये पानी का फुहारा बूमर। अच्छा जी, इससे सिंचाई होती है पौधों को, छोटी पौध को ये होती है, इससे फुहारे से सिंचाई होती है इससे। अच्छा, इसे मैं अभी चला के दिखाता हूँ। चला के दिखाइए। अच्छा, देखिए, अरे वाह, ये पानी दिया जा रहा है जी। तो ये इस तरीके से दिखाएं आप पानी। पूरा दिखा दो, पीछे से पूरा दिखा दो, पूरा ऊपर तक। तो ये एक तरीके से वर्षा जैसे हो रही है उस तरीके से पब्लिक को, कितनी अच्छी पौध लगाई हुई है सरकार, कितना कुछ कर रही है हमारे किसान भाइयों के लिए। इस टाइम हमारी जो है हालत आप देख रहे होंगे, पूरा भीग चुके हैं, 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है इस गर्मी में भी। तो देखते हैं कि कैसे मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को। ये मशीन है जो हमें टेम्परेचर बता रही है। जी जी, तो मुत्सिम भाई दिखाइए, ये इस टाइम 46.3 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का। ओहो, इतनी गर्मी। तो पप्पू भाई, इस मशीन का और क्या काम है? जी, इससे ये है सब पैनल है ये, इसमें सब चीज़ मशीन से स्टार्टिंग होती है। हमें फैन चलाना है या फुहारा चलाना है या मोटर चलानी है, जो भी ऐसी चलानी है इसे चलेगा, इससे ही टेम्परेचर बताएगा। अच्छी फंक्शनिंग है इससे, अगर आपको एग्जॉस्ट फैन चलाना है तो भी ये यहीं से चलेगा। जी, फुहारा चलाने की ये भी कंट्रोल होता है इस मशीन से, सब इसी से चलता है। गर्मी आप लोग देख रहे होंगे, नहा गए, लेकिन देखिए हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, चाहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, ठीक है? और इसलिए ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। चलिए, और कुछ दिखाएं पब्लिक को। चलिए मुत्सिम भाई, थोड़ा पसीना पोंछ लें। चलिए बस।